पूरे देश की नहीं पूरे विदेशों की नजर भी गठबंधन के ऊपर लगी हुई है। गठबंधन का क्या भविष्य हो सकता है और क्या रिजल्ट्स आएंगे गठबंधन के, उसके ऊपर बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि हम दूसरे एकला चलो की नीति अपनाते थे, हम दूसरे दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, हम अपनी ताकत बनाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे और जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी तो हम बराबर का गठबंधन बनाएंगे। जी, गठबंधन बराबर के साथ होता है। अगर एक व्यक्ति कमजोर है और दूसरा व्यक्ति ताकतवर है तो उनके बीच गठबंधन नहीं हो सकता, उनके बीच तो किसी तरह का समझौता हो गया कि भाई ठीक है आप एक, जैसे माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि भाई एक सीट जो है आरपीआई को मिली और 520 सीटें जो है वो कांग्रेस ने लड़ी, तो वो कोई गठबंधन नहीं था, वो सीधा सीधा सरेंडर था। बहुजन समाज पार्टी अब जब गठबंधन में आ रही है, पहले भी गठबंधन में आई है, तो उसने हमेशा बराबरी का या पहले दर्जे का रोल निभाया है। रही बात वर्तमान में गठबंधन की संभावनाओं की या किस प्रकार से बात को आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए देश के अंदर पिछले 5 साल में खासतौर पर SC ST OBC के लोगों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार हुआ है, उनकी संवैधानिक जो भागीदारी है उसको खत्म करने का एक षड्यंत्र मनुवादी व्यवस्था के द्वारा किया जा रहा है और सरकार भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, न्यायपालिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए यह बहुत जरूरी बन जाता है कि इस सरकार के पीछे जो मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता है, उसको कमजोर किया जाए, उसको ध्वस्त किया जाए, उसके लिए सरकार का बदलना बहुत जरूरी है। और सरकार को बदलने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे उनके पास 73 सीटें हैं, अगर उन 73 सीटों की संख्या को कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो ये सरकार 272 इनके पास है, 272 से सीधे सीधे 210 पे आ जाती है अगर किसी और प्रदेश की भी बात ना की जाए तो। उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसका ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे राष्ट्र की राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और क्योंकि बहुजन समाज पूरा का पूरा त्रस्त इस समय पर है, वो किसी भी तरीके से इस सरकार को बदलना चाहता है, इस सरकार को हटाना चाहता है, इसलिए गठबंधन की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और जो अपने पुराने मतभेदों को बुला के सपा और बसपा एक साथ आए हैं, ये अपने आप में बहुत स्वागत योग्य है। कुछ लोग खासतौर पर कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग जो इस गठबंधन के खिलाफ जाके एक नेशनल जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल मीडिया है वो एक दुष्प्रचार कर रहा है इस समय पे। जैसे कि अचानक आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 या 10 दिन से जो है एक कांग्रेस की एक नई नेता को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, प्रियंका गांधी को बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है। आप जान के ताजुब करेंगे कि पिछले 5-7 चुनाव में वो हर साल चुनाव के समय पर एक्टिव होती हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करती हैं और वही ढाक में 3 पास रहता है। इसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि जब लगता है कि कांग्रेस में एक बड़ा नेतृत्व आ गया है, वो राहुल गांधी से भी ज़्यादा योग्य हैं, राहुल गांधी को खतरा होना चाहिए, उनसे किसी दूसरे को क्या खतरा होगा अगर वो इस तरह से योग्य हैं। लेकिन परिस्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, वो वोट बैंक है। अगर कांग्रेस को आगे जाके नेशनल मीडिया मुस्लिम्स के अंदर ये बात डाल दे कि कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है, उत्तर प्रदेश में अगर SP और BSP के अलावा कांग्रेस मजबूती से सामने आती है तो फिर मुस्लिम वोट के बढ़ने का खतरा मीडिया दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक दुष्प्रचार है, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे पूरी तरीके से सपा बसपा मजबूती के साथ लड़ने और दोनों के पास इतनी जबरदस्त अर्थमेटिक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका मुकाबला किसी भी व्यवस्था में करने के लिए, आप तीनों जो चुनाव हैं उसको देख लीजिए कि जहाँ पे 4.5 लाख वोट से गोरखपुर में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो जीते थे, लेकिन इस गठबंधन ने एक अनौपचारिक अलायंस ही किया और वो 4.5 लाख वोट से जीतने वाली पार्टी वहां पे हार गई। अगर 4.5 लाख वोट से जीतने वाली पार्टी हार रही है, सीट को हार रही है, तो जहां पे 10-20 हज़ार से पार्टियां जीती हैं, यहां पे 10-20 हज़ार 50 हज़ार से 1 लाख से पार्टियां जीती हैं, उनका क्या हाल होने वाला ये आप समझ सकते हैं। इसलिए माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि मनुवाद की जो गर्दन है वो उत्तर प्रदेश है। जी, अगर आप गर्दन को ठीक से दबोच लेते हैं, गर्दन को ठीक से पकड़ लेते हैं तो इसके हाथ पैर अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप अपना कब्जा कीजिए तो फिर बाकी जगह पे ये अपने आप सत्ता को छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे लगता है कि गठबंधन ना सिर्फ दोनों पार्टियों के लिए, बहुजन समाज पार्टी और सपा के लिए, इसके नेतृत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की राजनीति के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर
लोकतंत्र में कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है और वो लंबे समय तक मिलती रहती है तो उसके अंदर तानाशाही तत्व डेवलप हो जाते हैं। अगर तानाशाही से बचना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो फिर विकल्प होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और मजबूत विपक्ष होगा तो फिर सत्ता पक्ष पर भी कुछ अंकुश रहेगा। मुझे लगता है कि ये उसी प्रकार की प्रक्रिया है जहाँ पे अपने आप को लोकतंत्र मजबूत कर रहा है, और सपा बसपा का गठबंधन शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभाने जा रहा है। जी।